हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है कि 0.99 डैश डैश को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो भी संख्या दी गई है वो संख्या को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो संख्या क्या दी गई है? 0.999 और यहाँ पर डैश डैश लगे हुए हैं। अब इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.9 और यहाँ पर हम 9 के ऊपर आवृत्ति लगा सकते हैं। अब 9 के ऊपर हमने आवृत्ति क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 9 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से हमने संख्या 9 के ऊपर आवृत्ति लगाई। इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी संख्या यहाँ पर दी गई उस संख्या को यहाँ पर x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने माना x बराबर, इस संख्या को हमने x के बराबर मान लिया 0.9 और आवृत्ति। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि संख्या 9 को कम से कम यहाँ पर 4 बार लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पर हम 0.999 इसको हमने कम से कम 4 बार लिख लिया। चाहे तो आप 5 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, 6 बार भी लिख सकते हैं, 7 बार भी लिख सकते, कितनी ही बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने डैश डैश जाके था, इसको आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। इसके बाद क्या करना कि दोनों पक्षों में यहाँ पर 10 से गुणा करना है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा आपको रफ में समझाते हैं कि यहाँ पर 10 से ही गुणा क्यों किया। यहाँ पर हम 100 से भी गुणा कर सकते थे, 1000 से भी गुणा कर सकते थे, 10000 से भी गुणा कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, या फिर इसको हमने इस प्रकार से लिखा कि यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। यदि इस प्रकार से 0.39 या 39 यहाँ पर बार बार संख्या रिपीट होती तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करते? 100 से गुणा करते। और इस प्रकार से यदि कोई संख्या 6.395 395 इस प्रकार से कोई संख्या या तीनों संख्याओं के ऊपर आवृत्ति लगी होती, इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6.395 395 संख्या बार बार रिपीट होने लगे तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल एक ही संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, बाएं पक्ष में भी हम 10 से गुणा करेंगे और यहाँ पर दाएं पक्ष में भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 10 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर 10 गुणित x लिख सकते हैं, बराबर चिन्ह जाके था। 10 का गुणा यहाँ पर इस संख्या से भी होगा, 10 गुणित 0.999 और यहाँ पर हम डैश डैश जाके था लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 10 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा यहाँ पर इस संख्या से होगा तो जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है वो एक अंक अंदर पहुँच जाएगा, यानी कि एक अंक अंदर खिसक जाएगा। जो दशमलव यहाँ लगा है वो यहाँ ना लग कर यहाँ लग जाएगा, 9 के बाद लग जाएगा। यदि यहाँ पर 100 से गुणा होता तो हमारा दशमलव 2 अंक अंदर खिसक जाता है, इस 9 के बाद यहाँ पर लग जाता है, लेकिन 10 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर दशमलव 9 के बाद लग जाएगा। यहाँ पर तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा? जैसे ही 10 का गुणा होगा तो 9.999। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में दशमलव के बाद 9 कितनी बार लिखे हुए हैं? 4 बार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 9 को कम से कम 4 बार यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर हम डैश डैश जहाँ के तहाँ लगा देंगे। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। इसके बाद समीकरण 2 में से 1 को आपको घटा देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में से हम बाएं पक्ष को घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 10x में से 1x को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 10x माइनस 1x बराबर चिन्ह जाके था, इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर 9.999 इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे, 0.999 इस प्रकार से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 9x बचेंगे।
और इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर आइए इसको हम लफ में घटाकर देखते हैं कि घटाने पर कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमें इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 9.999 और इस संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 0.9 यहाँ पर 9.99। तो जैसे यहाँ पर हम घटाएंगे तो 9 में से 9 को घटाएंगे यहाँ पर 0 बचेगा, 9 में से 9 को घटाएंगे यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 9 में से 0 घटेगा नहीं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से घटा सकते हैं। घटाने पर यहाँ पर कितना आया आंसर, 9 आया। इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/9, गुणा की संख्या यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगी। यदि हम इसको 9 से डिवाइड करें, जब भी इस प्रकार की संख्या आ जाए कि ऊपर नीचे समान संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 9। तो यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि संख्या 1/1 कोई संख्या नहीं है, तो हम इस प्रकार से 1/1 लिख सकते हैं। तो अतः जो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था कि संख्या, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारी संख्या थी 0.9999 का परिमेय रूप अर्थात p/q रूप कितना होगा, 1/1 होगा, x बराबर 1/1 होगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।